अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया था विद रिस्पेक्ट टू सेंटेंस। अब हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू नेम या हाउस। तो उसके लिए हमें अपना डाटा जो है वो डिक्शनरी में डालना पड़ेगा। डिक्शनरी हमने पहले पढ़ रखी है कि उसमें की वैल्यू के जो है ना पेयर्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले एक जो डिक्शनरी है वो डिक्लेयर करना पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है उसमें जो है वो की और उसके जो वैल्यूज हैं वो डालना पड़ेगी। नेम इज इक्वल टू हम कर देते हैं नेम और स्टूडेंट जनाब, सिटी इज इक्वल टू कर देते हैं ठीक है। ये हमारी जो है ना वो डिक्शनरी इससे जो है वो बन जाएगी। अब इस डिक्शनरी को हम आइट्रेट इस डिक्शनरी को हम स्टूडेंट्स नाम की जो है वो लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे, इसके अंदर स्टूडेंट्स डॉट अपेंड ठीक है, और इसके अंदर हम अपने स्टूडेंट की जो है वो डिक्शनरी कर देंगे एंटर। अच्छा, अब हमारे स्टूडेंट्स नाम के लिस्ट के अंदर जो है ना वो डिक्शनरीज पड़ी हुई हैं मल्टीपल, मतलब कि की वैल्यू पेयर के हिसाब से, ठीक हो गया। ये मैंने आपको बड़े डिटेल में पहले पढ़ा रखा है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना वो हम करना चाह रहे हैं सॉर्ट इसे। तो डिक्शनरी तो ऐसा सॉर्ट नहीं ना हो सकती कि सॉर्टेड लिखेंगे और इसके अंदर जो है हम लिस्ट का नाम दे देंगे तो वो सॉर्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगी सॉर्टेड जो फंक्शन की है। सॉर्टेड फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप वेबसाइट में भी देख सकते हैं। सॉर्टेड आता है और पहला इसका आर्गुमेंट होता है ट्रेड टेबल, ठीक है। दूसरा आर्गुमेंट होता है की का, तीसरा आर्गुमेंट होता है इसका रिवर्स का, जो हमने पहले भी किया, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, इसके लिए जो है ना मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ फिर समझाऊंगा। अच्छा जी, स्टूडेंट्स और यहाँ पे की इज इक्वल टू हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो हमें इसमें से निकाल के देगा नेम को। हम डायरेक्ट जो है वो नहीं ना निकाल रहे, हमें नेम की ज़रूरत है। ये तो हमने लिस्ट का दिया, लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज हैं, तो डिक्शनरी के अंदर जो है वो की है और की के साथ अटैच हुआ हुआ है हमारा नेम। तो वो हम उसके लिए एक नया फंक्शन बना रहे हैं गेट नेम के नाम से, डिफाइन गेट अंडरस्कोर नेम, ये ले रहा होगा स्टूडेंट और बदले में हमें दे रहा होगा रिटर्न स्टूडेंट नेम, ठीक हो गया। और बेसिकली हो क्या रहा होता है, ये जो सॉर्टेड फंक्शन है ना वो सारे स्टूडेंट्स यानी सारी डिक्शनरीज उसने चला दी, और की के अंदर जो है ना गेट नेम का फंक्शन है। पाइथन की यही खासियत है कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सॉर्टेड एक फंक्शन है, उसके अंदर गेट नेम जो है वो फंक्शन कॉल किया हुआ है। ये हमें क्या दे रहा है, स्टूडेंट्स के नेम दे रहा है, ठीक है। वो स्टूडेंट के नेम इधर आते हैं और सॉर्टेड फंक्शन इनको आपस में कंपेयर करके टेम्पोरेरी जो है ना वो मेमोरी में इसको सॉर्ट कर लेता है, ठीक हो गया। इसको करने के बाद हम इधर प्रिंट करवा देंगे जनाब, वही सब कुछ इसके अंदर जो है वो हम स्टूडेंट नेम इज इन स्टूडेंट सिटी,
ठीक हो गया, ये हमने लिख लिया सारा, इसको अब जो है वो रन करके देखेंगे। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दे, हमने इधर जो है वो सिंगल कोटेशन क्यों यूज किया? पॉज करके आपने सोचना है, हमने सिंगल कोटेशन इसलिए यूज किया क्योंकि बाहर हमारे जो है वो डबल कोटेशन वाला है, तो हमारा कंपाइलर कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हमने सिंगल कोटेशन लगाई है। इसको सेव करके रन करके देखते हैं, ये देखें ये जो है ना अब हमारा सॉर्ट हो गया है बाय नेम। अगर हम यही जो काम है करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिटी के, तो हम वो भी कर सकते हैं, हम सिंपली इधर सिटी लिखेंगे, इधर भी आप फंक्शन का नेम चेंज कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। सेव, ये अब जो है ना वो सिटी के हिसाब से भी ऐसे ही आ रहा है, नहीं सिटी के हिसाब से देखें कार दरमियान में आ रहा है, तो ये सिटी के हिसाब से हो गया। तो इस तरह जो है ना हम अपनी CSV फाइल को ओपन करके उसमें से डाटा रीड करके डिक्शनरी में डाल सकते हैं और उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, सॉर्टेड फंक्शन की आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको थोड़ी सी समझ आएगी। हम इसको जो है वो रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो है ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया है, विद रिस्पेक्ट टू नेम भी हम इस तरह कर सकते हैं। आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन सॉर्टेड भी भरेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होंगे। सॉर्टेड फंक्शन स्टूडेंट्स को वन बाय वन ले रहा है, फिर ये की के अंदर जो है गेट नेम को कॉल कर रहा है और उधर से इसको नेम मिल रहे हैं, सिटी के हों या दूसरे स्टूडेंट के नेम, और फिर इन कीज को आपस में कंपेयर करके वो जो है वो सॉर्टेड एक लिस्ट बना रहा है और उसके हिसाब से हम इधर प्रिंट कर रहे हैं। तो यही था आज के लेक्चर में, थैंक यू सो मच।